हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो दिस इज़ द वीडियो फॉर 17th of June 2020 द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। दूसरा जो वीडियो आएगा अभी थोड़ी देर में वो आएगा एडिटोरियल एनालिसिस का। इस वीडियो में हम प्रिलिम्स स्पेसिफिक जो भी न्यूज़ आइटम्स हैं जितना भी डिटेल्ड हो सकता है प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसका यूज़ आप मेंस में भी ज़रूर करेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं कि वो केवल प्रिलिम्स में आएगा, लेकिन प्रिलिम्स स्पेसिफिक फोकस रहता है। प्रिलिम्स में आपके और ज़्यादा मार्क्स आएँ, काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस रहेगा। दूसरे जो एग्ज़ाम्स आप देते हैं जैसे कि आपका स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन हो गया या फिर आप एसएससी के जो भी फैक्ट्स देते हैं वो सारे इसमें कवर्ड रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस एनालिसिस। बिफोर वी स्टार्ट, इन द कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन सेक्शन यू विल फाइंड द लिंक्स टू जॉइन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड जॉइन द टेम्स पोर्टल, एंड सो यू कैन यूज़ दोज लिंक्स इन ऑर्डर टू जॉइन अस। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक इट। ओके, अगर आपको पसंद आता है तो आप प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट। पहले आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दें, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है ओनली स्टेट्स आर एलिजिबल टू अपियर बिफोर द कोर्ट इन कंटेंशियस केसेस। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है जजमेंट्स डिलीवर्ड बाय द कोर्ट इन डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स आर बाइंडिंग अपॉन द पार्टीज कंसर्न। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, वन एंड टू ओनली। दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर प्रिलिम्स एग्जामिनेशन, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी, 1, 2 and 3 तीनों स्टेटमेंट सही हैं। कई लोगों को ये डाउट रहेगा कि क्या इसके डिसीजंस बाइंडिंग होते हैं नहीं, तो अगर आप FAQs पढ़ो ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दे क्लियरली से दैट द डिसीजंस आर बाइंडिंग अपॉन द स्टेट्स कंसर्न। तो डी विल बी द आंसर। बाकी हम सबको पता ही है कि ये प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन होता है आपका यूनाइटेड नेशंस का है, ठीक है ना। एंड स्टेट्स आर एलिजिबल टू अपियर इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट इन कंटेंशियस केसेस। इसके बाकी चीज़ें भी याद रखना कि 9 साल का इनका टेन्योर रहता है, जजेस होते हैं 15 जजेस होते हैं, 9 साल का टेन्योर होता है। तो ये कुछ बाकी के फैक्ट्स हैं जो कि आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। हेग नीदरलैंड्स में इसका जो हेडक्वार्टर है। दूसरा जो क्वेश्चन है वह, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एप्लीकेशन ऑफ IRNSS। तो IRNSS का इंडियन जो रीजनल नेविगेशन सिस्टम है उसके क्या क्या पर्पसेज हैं। पहला है नेविगेशनल पर्पस, दूसरा है डिजास्टर मैनेजमेंट, थर्ड है जियोडेटिक डेटा कैप्चर, फोर्थ इज फ्लीट मैनेजमेंट। इनमें से कौन कौन से सही होंगे, 1 only, 1 and 4 only, 1, 2 and 4 only, or 1, 2, 3 and 4। सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन आर आस्ड इन UPSC एग्जामिनेशन। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे रहेंगे जो कि आपको एग्जाम में मिले, एंड इस टाइप के क्वेश्चंस का जो आंसर रहता है 1, 2, 3, 4 ज़्यादातर यही रहता है अगर कहीं पर्पस पूछा जाता है तो। अदरवाइज कई बार ऐसा होता है कि आपको बस एक गलत ढूंढना रहता है। अगर आपने गलत ढूंढ लिया तो आप बहुत जल्दी एलिमिनेट करके, 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट करके उसका आंसर निकाल लोगे। डी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसके जो यूज़ होते हैं IRNSS के, वो टेरेस्ट्रियल एरियन एंड मरीन नेविगेशन में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, व्हीकल ट्रैकिंग एंड फ्लीट मैनेजमेंट में, इंटीग्रेशन विद मोबाइल फोन्स, प्रिसाइज टाइमिंग, मैपिंग एंड जियोडेटिक डेटा कैप्चर, टेरेस्ट्रियल नेविगेशन एड फॉर हाइकर्स एंड ट्रेवलर्स, विजुअल एंड वॉइस नेविगेशन फॉर ड्राइवर्स। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इसके यूज़ हैं, यूटिलिटीज़ हैं जो कि आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द इनक्रेडिबल यू। फाइंड द इनक्रेडिबल यू इज अ कैंपेन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री ने फाइंड द इनक्रेडिबल यू कैंपेन लॉन्च किया। ऑप्शंस आर ए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, बी मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर, सी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, डी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। सो थिंक ऑफ द आंसर एंड नाउ लेट मी टेल यू द आंसर। आंसर फॉर दिस विल बी ए, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। सो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो याद रखिएगा फाइंड द इनक्रेडिबल यू कैंपेन इज अ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कैंपेन एंड इट हैज़ वॉन द पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन गोल्ड अवार्ड। जो पाटा गोल्ड अवार्ड होता है 2019 का, वो इसको मिला था। दैट इज़ द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। प्लीज मेक श्योर यू अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स। तो ये आपको याद रहना चाहिए। ना 20 इंडियन सोल्जर्स मार्टियर्ड इन फेस ऑफ एट गलवन। तो गलवन वैली में लगभग 20 इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो शहीद हुए हैं। एंड देखो चाइना का डेटा आपको लिखा नहीं मिलेगा, चाइना का डेटा क्यों नहीं मिलेगा कि बिकॉज चाइनीज़ हैव नॉट डिक्लेयर्ड द ऑफिशियल डेटा कि उनकी तरफ से कैजुअलिटीज़ कितनी है। एंड वी शुड नॉट कम्पेयर ऑल्सो, सो वॉट आई वॉज थिंकिंग स्टेट इज़ दैट वी शुड नेवर कम्पेयर कि हमारे इतने जवान शहीद हुए तो उनके इतने हुए। तो ये कंपेरिजन की चीज़ नहीं होती है। वी शुड थिंक अप ऑफ पीस एज द फाइनल सोल्यूशन। जो फाइनल सोल्यूशन होना चाहिए वो हमेशा पीस ही होना चाहिए, ना कि इस तरीके के वायलेंस और इस तरह की कैजुअलिटीज़। कि कैजुअलिटी किसी भी साइड से हो दैट इज़ अ लॉस। ओके, दोनों तरफ से ही लॉस होता है, न केवल अपना लॉस नहीं होता, दूसरे का भी लॉस ही होता है। सो वी शुड ऑलवेज मेक श्योर दैट शुड नॉट हैपन। ओके,
यहाँ पे जो मैप आपको दिख रहा होगा ये है अपना जो इंडिया का कश्मीर वाला रीजन है उसका पूरा मैप है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा ये पीओके वाला रीजन है, यहाँ पे पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला रीजन है जिसको पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती हथिया लिया है। यहाँ पे सीपैक पास होता है, ये अक्साई चीन वाला रीजन है, ये अक्साई चीन का रीजन है जिसको चाइना ने किया है। यहाँ पे एक सक्षगम वैली है जिसको कि पाकिस्तान ने 1963 में चाइना को दे दिया था। तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ पे लिखा नहीं है बट मेक श्योर यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स कि कहाँ कहाँ इतना हमारा जो एरिया है वो दूसरों ने कैप्चर किया हुआ है। अब यहाँ पे ये गलवन वैली आपका लद्दाख वाली रीजन में, ये गलवन वैली है और ये आपके पैंगोंग सो लेक है। पैंगोंग सो लेक यहाँ पर जाती है और मैंने पहले भी कहा था कि पैंगोंग सो लेक में इस तरह से रिजेस टाइप माउंटेन्स हैं जिनको फिंगर्स इन द लेक कहा जाता है कि उंगली के जैसे इस तरह से रिजेस आती है ना उसी तरीके से ये आते हैं लेक के अंदर, तो ये फिंगर्स इन द लेक कहलाते हैं। अब हम क्लेम करते हैं फिंगर एट तक हम बोलते हैं कि हमारा रीजन है, फिंगर फोर पे हमारे टेंट वेंट सब गड़े हुए हैं। चाइना कहता है कि आपके फिंगर टू तक ही है और चाइना अभी फिंगर फोर पे आ गया था, ठीक है ना। तो ये आप सबको ये पूरा इशू समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है ना। ये आपकी LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और यही जब नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में आएगी अरुणाचल प्रदेश में तो उसको वहाँ पे मैकमोहन लाइन भी कहा जाएगा, मैकमोहन लाइन भी इसी को कहा जाएगा यहाँ पे जब ये आएगी आगे, ठीक है ना। तीन सेक्टर्स में डिवाइडेड है इंडिया चाइना का बॉर्डर। पहला जो ये सेक्टर है ये आपका वेस्टर्न सेक्टर कहलाता है, ओके, इसको नदन नहीं बोलते, इसको वेस्टर्न बोलते हैं। बीच में आपका मिडिल सेक्टर आता है जो कि हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वाले रीजन में आता है। देन आपका सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में ईस्टर्न सेक्टर आता है। तो ये तीन सेक्टर में हमारा पूरा LAC जो है वो तीन सेक्टर में डिवाइडेड रहता है। जो मेजर इशूज़ वाला सेक्टर है वो वेस्टर्न सेक्टर है और आपका ईस्टर्न सेक्टर है। वेस्टर्न में भी ये स्पेशली पैंगोंग सो लेक क्यों इतना ज़्यादा ट्रबलसम है, क्योंकि पैंगोंग सो एक वाटर बॉडी है और यहाँ पे वाटर बॉडी से LAC पास हुआ है, इसलिए जब भी कभी वो शिफ्ट करेगी, वो मूव करेगी तो उसके साथ बॉर्डर भी अपने मूव करता जाएगा। इस कारण से जो चाइनीज़ है वो कई बार इसका मिसयूज़ कर चुके हैं। सो दिस वॉज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट, इंडियन पेट्रोलिंग टीम वॉज अटैक्ड बाय द लार्जर चाइनीज़ ग्रुप। सो वही वाली बात है कि आपको ये चीज़ें मेक श्योर करना कि ना हो, क्योंकि आपके यहाँ से कैजुअलिटी जब होती है तो दैट इज़ अ वेरी बिग लॉस। हमारे यहाँ के आकर एक भी आदमी पर्सनल इस तरह से मार्टियर होता है तो ये बहुत बड़ा लॉस है ना, ठीक है। उसको बाद में आप ग्लोरीफाई ज़रूर करते हैं कि ये ऐसी चीज़ बट उसकी पूरी फैमिली, वो व्यक्ति तो चला गया ना, उसकी पूरी फैमिली तो उसी तरीके से रहेगी। नो वन आस्क अबाउट देम ऑल्सो, कि बाद में तो कोई उनके बारे में नहीं पूछता। सो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू प्रिवेंट दीज कैजुअलिटीज इन द लार्जर बिग पिक्चर। सेकेंड जो न्यूज़ है वो है चीप ड्रग्स शोज रिजल्ट्स इन कोविड पेशेंट्स स्टडीज़ प्रिडिक्टिंग। तो एक नई दवाई है जिसके बारे में आया है, इंडियन डॉक्टर्स हैव सेड दैट देर इज़ अ रिपोर्टेड सक्सेस ऑफ डेक्सामिथासोन। ओके, याद रखिएगा ये दवाई का नाम है डेक्सामिथासोन। इट इज़ एन इनएक्सपेंसिव स्टेरॉइड दैट रिटेल्स फॉर लेस देन ₹10 फॉर 10 ml एंड इज मेड बाय सेवरल इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, इज सेविंग लाइफ इन कोविड-19। तो ये कोविड-19 में लाइफ सेविंग ड्रग की तरह सामने आया है। इट्स अ स्टेरॉइड जो कि ₹10 से भी कम में 10 ml मिल जाता है, 10 ml इसके ₹10 से भी कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। एंड इंडियन डॉक्टर्स हैव सेड दैट डेक्सामिथासोन इज एन इनएक्सपेंसिव स्टेरॉइड दैट कैन बी लाइफ सेविंग इन द इवेंट्स ऑफ एक्सट्रीम कोविड-19 केसेस। तो लाइफ सेविंग ड्रग की तरह ये काम हो सकता है। अब अभी आपको सब पता होना चाहिए कि एक रिकवरी ट्रायल इज गोइंग ऑन। रिकवरी ट्रायल अगर आप सबको पूछे कि कौन कर रहा है, तो WHO इज एडमिनिस्ट्रिंग दिस रिकवरी ट्रायल। इट इज द लार्जेस्ट ग्लोबल क्लिनिकल ट्रायल that is checking the ability of several repurposed drugs to treat COVID-19. तो ये रिकवरी ट्रायल क्या मतलब होता है, अगर कोई आपसे पूछे कि what is this रिकवरी ट्रायल, तो याद रखिएगा पहली चीज़ कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये रिकवरी ट्रायल कर रहा है। दूसरी चीज़, ये रिकवरी ट्रायल उन दवाइयों को पता करने के लिए हैं जो ऑलरेडी मार्केट में है और वो COVID-19 को ठीक कर सकते, जैसे रेमडेसिविर का टेस्ट किया गया, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का टेस्ट किया गया, अब यहाँ पे डेक्सामिथासोन का टेस्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, WHO का रिकवरी ट्रायल इज अंडर गोइंग। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। सो दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। लोनार लेक, हाई कोर्ट सीक्स रिपोर्ट ऑन कलर चेंज। अब अभी क्या हुआ था रिसेंटली, मैंने आपको पहले भी कहा था कि लोनार लेक इज इन महाराष्ट्र। लोनार लेक कहां पर है, महाराष्ट्र में है।
हुआ ये था कि इसका जो ब्लूइश ग्रीन कलर है वो ब्लूइश ग्रीन कलर से चेंज करके ये पिंकिश कलर में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है ना। अभी रिसेंटली लोनार लेक का जो कलर है वो ब्लूइश ग्रीन से थोड़ा चेंज होकर के पिंकिश कलर में चेंज हो गया। तो इसके लिए हाई कोर्ट ने अब बेसिकली जवाब मांगा है नीरी से, यानी कि नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और दूसरा आपका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, कि क्या कारण है कि इनका जो इसका जो लेक का कलर चेंज हुआ है। लगभग 50,000 साल पुरानी ये लेक है, क्रेटर के थ्रू बनी थी, क्योंकि लोनार क्रेटर के थ्रू बनी थी। 50,000 ईयर्स ये ओल्ड एक लेक है जो कि महाराष्ट्र में पाई जाती है, ठीक है ना। बात करते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। अब जब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया न्यूज़ में आ ही गया तो उसके बारे में देख लेते हैं फैक्ट्स। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना था 1851, यानी कि 1851 में बना था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ऑर्गेनाइजेशन है ये, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत आता है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सच ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, और इंडिया में सर्वे ऑफ इंडिया के बाद दूसरा ओल्डेस्ट है, क्योंकि सर्वे ऑफ इंडिया 1767 में बना था और ये 1851 में बना था, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। दूसरी चीज, ये काम क्या करता है, बेसिकली जियोलॉजिकल सर्वेस कंडक्ट करता है, जो कि अर्थ के बारे में, जैसे कि उसमें किस तरह के स्टील, कोल, मेटल, सीमेंट, पावर इंडस्ट्रीज, इंटरनेशनल जियो साइंटिफिक फोरम्स, ये सारी चीज़ों का काम करने का काम जो है वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है। दूसरा जो आपका नीरी, यानी कि नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यूज़ में आया, तो वो CSIR की बेसिकली कहना चाहिए कि रिसर्च इंस्टीट्यूट है, CSIR का रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इट इज़ फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इस्टेब्लिश हुआ था ये नागपुर में 1958 नागपुर में ये बना था। ये फोकस करता है वाटर सप्लाई, सीवेज डिस्पोजल, कम्युनिकेबल डिसीजेज, इन सब के लिए, और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को भी टू सम एक्सटेंट ये देखता है। तो CSIR का है ये भी याद रखना, है ना। दीज आर द थिंग्स विच इज़ इंपॉर्टेंट, इसीलिए इसको भेजा गया है। तो सैंपल जो से कलेक्ट हुए थे वो नीरी नागपुर और अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे। तो अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी याद रखिएगा कि पुणे में है, उन्होंने ये सैंपल्स के एक्सेप्ट किए थे। तो एडिटोरियल तो हम बाद में दूसरे वीडियो में देखेंगे, तो वेट फॉर दैट वीडियो एज वेल, वो दूसरा वीडियो भी आएगा जल्दी ही, कल भी आया था। तो आई होप यू पीपल आर लाइकिंग दिस, एंड काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल एनालिसिस हो जाता है इस कारण से, है ना। अगला जो न्यूज़ है वो इंडिया से, चाइनीज ट्रूप्स ट्राई टू चेंज द स्टेटस को। अब इंडिया का ये कहना है, ME यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ये कहना है कि जो पॉइंट्स हैं, जो हॉटस्पॉट पॉइंट है इंडिया और चाइना के बॉर्डर में, जैसे कि गलवन वैली हो गया, उसके पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15, 17, हॉट स्प्रिंग एरिया जो है वहाँ का, देन पेंगोंग सो लेक का रीजन है, तो यहाँ पे जो ये बेसिकली चाइनीज अटैक हुआ है, दैट हैज़ बीन टू चेंज द स्टेटस को, मतलब कि जैसा चल रहा था, जो यहाँ पे कंट्रोल कर रहा था उसको चेंज करना था, उनका बेसिक एम था। जैसे कि चाइनीज ट्रूप्स ने एक्यूपाई कर लिया था इंडियन पेट्रोल एरिया, उसके बाद इंडियन टेंट्स, व्हीकल्स, इक्विपमेंट, हमारे यहाँ के टेंट, व्हीकल, जो गाड़ियाँ हैं और जो इक्विपमेंट है वो भी उन्होंने हथिया लिया था। तो इट वॉज अवर एक्सपेक्टेशन दैट दिस वुड अनफोल्ड स्मूथली, द चाइनीज साइड डिपार्टेड फ्रॉम द कंसेंसस टू रिस्पेक्ट द LAC। तो बेसिकली चाइनीज साइड ने LAC को रिस्पेक्ट नहीं किया, एंड जो अर्लियर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी का एग्रीमेंट हमने किया है चाइनीज के साथ, तो इंडिया और चाइना के बीच में आप सबको पता होना चाहिए कि देयर इज एन एग्रीमेंट ऑन मेंटेनिंग द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन द बॉर्डर एरिया, तो उसको उन्होंने छोड़ दिया, और उस एग्रीमेंट को, उस एग्रीमेंट के अगेंस्ट जाते हुए ये डिसएंगेजमेंट जब हो रहा था, बेसिकली कहना चाहिए कि डीएस्केलेशन टाइम पे जब गलवन से हो रहा था, तब ये उन्होंने अटैक किया, और वायलेंट अटैक्स में हमारे के जवान शहीद हुए। सो दैट इज द थिंग व्हिच हैज हैपेंड, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। तो इंडिया प्लेजेस सपोर्ट टू नेपाल टेम्पल। अब इंडिया ने 2.33 करोड़ का सैनिटेशन फैसिलिटी एट दी पशुपतिनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स में के लिए प्लेज किया है। तो इंडिया हैज़ प्लेज टू कंस्ट्रक्ट 2.33 करोड़ सैनिटेशन फैसिलिटी एट द पशुपतिनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द होली श्राइन फॉर पिलग्रिम्स। तो याद रखिएगा, पिलग्रिम्स के लिए होली श्राइन में अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ के लिए इंडिया 2.33 करोड़ में एक सैनिटेशन फैसिलिटी बनाएगा पशुपतिनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स विच इज़ इन नेपाल। तो याद रखिएगा, इंडिया हैज एग्रीड टू दैट, तो ये भी याद रखना, एंड दिस इज अ गुड थिंग फॉर इंडिया एंड नेपाल रिलेशन, क्योंकि अभी इंडिया और नेपाल के रिलेशन भी खटाई में चले गए बिकॉज ऑफ द कालापानी डिस्प्यूट, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगली जो न्यूज़ है वह नेपाल कर्व्स ऑन फॉरेन चैनल्स। तो अब नेपाल ने फॉरेन जो न्यूज़ चैनल्स हैं इनके ऊपर एक कर्व स्टार्ट किया है, बेसिकली उनको न्यूज़ चैनल्स, दे विल लूज द ट्रांसमिशन राइट्स इफ दे कांट बीम एड फ्री कंटेंट। तो यही वाली बात है कि अब यहाँ पे क्या किया है, एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यूज को बढ़ाने के लिए और लोकल चैनल्स को प्रमोट करने के लिए बेसिकली इन्होंने ये कर्व्स स्टार्ट किए हैं बेसिकली, एंड फॉरेन न्यूज़ चैनल्स
इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम इंडिया मे नॉट रिसीव परमिशन टू एयर इन नेपाल इफ दे फेल टू प्रोड्यूस एडवर्टाइजमेंट फ्री कंटेंट। तो उनको एडवर्टाइजमेंट फ्री कंटेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा तभी वो जाके वहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि फॉरेन चैनल्स पे क्या कर्व लगाया गया है कि दे विल हैव टू प्रोड्यूस एडवर्टाइजमेंट फ्री कंटेंट। अब बेसिकली हुआ क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, बिकॉज दे वॉन्ट देयर लोकल चैनल्स, जो उनके लोकल चैनल्स है, डोमेस्टिक मीडिया है, उनमें एडवर्टाइजमेंट आए और उनको बेसिकली ज़्यादा रेवेन्यूज़ बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। अभी क्या होता है कि नेपाल में जो लोग व्यूअर्स हैं वो फॉरेन न्यूज़ चैनल्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो क्योंकि उनका कंटेंट ज़्यादा बेटर रहता है। लेकिन वही हो रहा है कि इन चैनल्स को प्रमोट अगर करेंगे तो उनके जो डोमेस्टिक न्यूज़ है, डोमेस्टिक मीडिया है, वो बिल्कुल नुकसान में जाएगी, उनको ऐड नहीं मिलते। तो उनको ऐड मिले इस कारण से उन्होंने ये रूल बना दिया कि जो फॉरेन चैनल्स हैं उनको ऐड फ्री कंटेंट दिखाना पड़ेगा। इसका एक कारण और हो सकता है कि अगर वो फॉरेन न्यूज़ चैनल्स देख रहे हैं वहाँ के लोग, तो अभी काला पानी टेरिटोरियल डिस्प्यूट को जिस तरीके से इंडियन न्यूज़ ने कवर किया होगा, तो वो इसके ऊपर भी कर्व चाहते हैं बेसिकली। कहीं ना कहीं वो न्यूज़ को भी कंट्रोल करना चाहते हैं कि ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल वो कर सकें और उनके यहाँ के जो लोग हैं वो वही चीज़ देखें जो वहाँ की कंट्री दिखाना चाहती है बेसिकली। सो फॉर दैट ऑल्सो दे वॉन्ट टू कंट्रोल दिस थिंग। इंडिया एक्सपेक्ट्स टू सेल थ्रू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वोट। अब यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट सीट के लिए, ओके याद रखिएगा, 5 नॉन परमानेंट सीट्स के लिए वोटिंग होगी, 5 नॉन परमानेंट सीट्स के लिए वोटिंग की जाती है। टोटल नॉन परमानेंट सीट्स 10 होती हैं, ये भी आपको याद रखना है कि दो दो सालों के लिए होते हैं, ये 2 ईयर्स का टेन्योर रहता है, 2 साल का टेन्योर रहता है, 10 मेंबर होते हैं, लेकिन 5 के लिए ही वोटिंग होती है और 21-22 के सेशन के लिए वोटिंग होगी। तो इंडिया जो है उसको 2/3 वोट्स चाहिए, 2/3 वोट्स आउट ऑफ 193, इसका मतलब है कि 129 वोट्स की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू गेट द कन्फर्म मेंबरशिप ऑफ द दिस रीजन, एशिया पैसिफिक रीजन। तो एशिया पैसिफिक सीट के लिए उसको 2/3 वोट चाहिए। यह इंडिया अनअपोज्ड ही है एक तरीके से, अफगानिस्तान ज़रूर पहले खड़ा होने वाला था लेकिन फिर उसके बाद वो नहीं हुआ। जो मेन कंटेस्ट है वो कनाडा, आयरलैंड और नॉर्वे में है। कनाडा, आयरलैंड और नॉर्वे जो है वो वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर्स ग्रुप में ये कंटेस्ट करेंगे। याद रखिएगा कि 2 साल का टेन्योर होता है, 21-22 के लिए हो रहा है, और इसके अलावा ये 10 होते हैं टोटल नॉन परमानेंट मेंबर, 5 परमानेंट हैं, 10 नॉन परमानेंट हैं, और नॉन परमानेंट में 10 में से 5 के लिए वोटिंग की जाती है, ठीक है ना, रीजन वाइज होती है। इंडिया ने लेड द नॉन अलाइंड मूवमेंट वाइल आयरलैंड हैज़ अ यूनिक पोजिशन एज अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन दैट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ नेटो। तो आयरलैंड नेटो का मेंबर नहीं है लेकिन वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। तो ये भी इंपॉर्टेंट याद रखेगा कि आयरलैंड जो है वो यूनिक पोजीशन है क्योंकि वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है लेकिन वो नेटो का मेंबर नहीं है। आयरलैंड ने अपनी कैंडिडेचर 2005 में अनाउंस की थी, नॉर्वे ने 2007 में, लेकिन कनाडा ने 2016 के बाद ये स्टार्ट किया है। तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। इंडिया ने अपने बारे में बताया कि हम पीस कीपिंग मिशन में बहुत सारे अपने सोल्जर्स को भेजते हैं। देन इंडिया लेड कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन भी, इंडिया ने एक कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन भी बोला था जिसको कन्वेंशन फॉर इंटरनेशनल टेररिज्म कहा जाता है। ये इंडिया ने ही प्रपोज किया था, अभी तक आया नहीं है क्योंकि इसमें एक इशू जो मेजर चल रहा है वो टेररिज्म की डेफिनेशन पे चल रहा है कि क्या एग्जैक्ट डेफिनेशन होनी चाहिए टेररिज्म की, ठीक है ना। तो ये मेजर इशू है जो कि यहाँ पे चल रहा है, ये भी न्यूज़ आपको इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। क्लाइमेट रिपोर्ट प्रिडिक्ट्स हॉटर एंड रेनियर डेज। नाउ इंडियाज फर्स्ट एवर नेशनल फोरकास्ट ऑन द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन द सब कॉन्टिनेंट इज इन द कमिंग सेंचुरी। ये इंडिया की पहली रिपोर्ट आई है बेसिकली, नेशनल फोरकास्ट ऑन द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन द सब कॉन्टिनेंट इन द कमिंग सेंचुरी। इट एक्सपेक्ट्स एनुअल रेनफॉल टू इंक्रीज एंड अलॉन्ग विद मोर सीवियर साइक्लोन्स एंड पैराडॉक्सिकली मोर ड्रॉट्स। ओके, पैराडॉक्सिकल क्यों, क्योंकि रेनफॉल ज़्यादा होगी लेकिन ड्रॉट्स भी ज़्यादा होंगे, तो ये दोनों बिल्कुल पैराडॉक्सिकल है ना। क्योंकि अब ये वाली बात है कि पैराडॉक्स क्या होता है, एक सिचुएशन जिसमें होना जब जो चाहिए उसके अपोजिट कोई दूसरी चीज़ हो रही है, तो वही वाली बात है, इसलिए इसको पैराडॉक्स कहा गया। तो इंडिया का पहला नेशनल फोरकास्ट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन द सब कॉन्टिनेंट इज इन द कमिंग सेंचुरी, ये बेसिकली पहली बार हुआ है। एंड इसमें प्रोजेक्ट किया गया है कि रेनफॉल ज़्यादा होगी लेकिन मोर सीवियर साइक्लोन्स होंगे और पैराडॉक्सिकली ज़्यादा ड्रॉट्स भी होंगे। These projections are based upon climate forecasting model developed at IITM, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी पुणे में है, उसने बेसिकली ये मॉडल डेवलप किया था, उसके बेसिस पे ये प्रोजेक्शंस किए गए हैं।
ओके एंड इट विल बी पार्ट ऑफ द नेक्स्ट रिपोर्ट ऑफ आईपीसीसी एक्सपेक्टेड टू बी रेडी इन 2022. तो इंडियन इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की बेसिकली जो 2022 की रिपोर्ट होगी उसमें ये चीज़ का मेंशन किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है. यहाँ पे एक टर्म आया है आईआरसीपी 8.5, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एक चीज़ बता देता हूँ. आरसीपी 8.5 क्या है? इट्स बेसिकली एमिशन रिजीम है, एक एमिशन रिजीम इसको कहते हैं. हाई एमिशन सिनारियो है जिसमें ये माना जाता है कि बिजनेस एज यूजुअल, मतलब कि आपने प्रॉपर स्टेप्स नहीं लिए इन ऑर्डर टू कर्ब द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन. आपने जब ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशन को कट करने का कोई स्टेप नहीं लिए, इट्स अ सिनारियो व्हेन नो स्टेप इज टेकन फॉर प्रिवेंटिंग द एमिशन ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस. देखो हाइपोथेटिकल सिनारियो है वेयर नो स्टेप्स आर टेकन टू कर्व द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन और आरसीपी 8.5. तो आरसीपी 8.5 मतलब कि कोई भी स्टेप नहीं लिए गए इन ऑर्डर टू कर्व द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन और ये बिजनेस एज यूजुअल होता है, ये एक हाइपोथेटिकल सिनारियो कहलाता है, ठीक है ना. तो आरसीपी 8.5 का याद रखिएगा, दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. आई होप यू हैव क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. आगे मूव करते हैं. श्रीलंकन एजुकेटर्स फियर वायरस माइट ब्रिंग आउट अ न्यू डिवाइड. तो श्रीलंका के जो एजुकेटर्स हैं उनका ये कहना है कि जो वायरस है COVID-19 है वो एक नया डिवाइड, एजुकेशन डिवाइड लेके आएगा लोगों के बीच में. कैसे? क्योंकि अभी क्या है, जो एजुकेटर्स हैं, टीचर्स हैं, स्कूल्स हैं, उनको शिफ्ट करना पड़ रहा है फ्रॉम द ऑफलाइन मोड से उनको ऑनलाइन मोड में जाना पड़ रहा है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग ये मेंटेन करनी है. फिजिकल डिस्टेंसिंग इज द एग्जैक्ट टर्म. तो आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, तो ऑनलाइन कोर्सेज की तरफ बहुत ज़्यादा शिफ्ट किया जा रहा है. अब ऑथर ने यहाँ पे 6 से 7 पॉइंट दिए, बेसिकली 5 से 6 पॉइंट दिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं. तो पहली जो प्रॉब्लम है कि नॉट ऑल द स्टूडेंट्स ओन्ड डिवाइसेज और हैड एक्सेस टू गुड इंटरनेट कनेक्शन. तो ये एक और दो, पहली दूसरी दो प्रॉब्लम है. एक तो लोगों के पास डिवाइसेस नहीं है, सबके पास तो स्मार्टफोन नहीं होगा. दूसरा, सबके पास इंटरनेट नहीं होगा. तो ये दो प्रॉब्लम होंगी. तीसरा ये है, यहाँ पे देखो, तीसरा है कि जिनके पास स्मार्टफोन है भी या फोन है भी, तो उनके पास बड़ी स्क्रीन के फोन नहीं है. दे डिड नॉट ओन अ लार्ज स्क्रीन डिवाइस. ओके, तो स्मार्टफोन होगा लेकिन लार्ज स्क्रीन डिवाइस नहीं होगा. स्मार्टफोन्स वर प्रिवेलेंट, नॉट हैड इजी एक्सेस टू इंटरनेट नहीं है लोगों के पास. लार्ज स्क्रीन डिवाइसेस नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है छोटी स्क्रीन में आप पढ़ाई भी नहीं कर सकते, आपको दिखेगा ही नहीं. फिर आपका पॉइंट है एक कंप्लेंट ऑफ पुअर सिग्नल. जहाँ पे कनेक्टिविटी है, टावर है, लेकिन वहाँ पे सिग्नल पुअर है, तो ये प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं आ रही है. तो ये फिफ्थ पॉइंट हो गया. देन नॉट ऑल द स्टूडेंट लिव इन बिग होम्स विद सेपरेट रूम्स एंड हैव क्वाइट स्पेस फॉर प्राइवेसी फॉर अटेंडिंग अ क्लास. ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो, चलो ठीक है, पढ़ाई तो एक शांत वातावरण में होती है, पीसफुल इन्वायरमेंट में होती है, क्वाइट इन्वायरमेंट. तो लोगों के पास ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे कमरे होंगे. कई ऐसे बच्चे होंगे जिनके यहाँ सिर्फ एक कमरा होगा, उसी में 5 से 6 लोगों का परिवार रह रहा होगा, तो वो कैसे पढ़ाई करेंगे इस तरीके स्कूल अटेंड करेंगे. देन सेवन्थ प्रॉब्लम है, सम स्टूडेंट्स आर एंगेज इन पार्ट टाइम वर्क ऑल्सो टू सपोर्ट देयर पेरेंट्स. उनके पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं कुछ लोग, तो उनको अपनी जॉब छोड़नी पड़ गई है पैंडेमिक के टाइम में, तो वो ऑनलाइन क्लासेस को किस तरह से कंटिन्यू करेंगे. तो ये दीज आर द पॉइंट्स विच आर देयर टू सपोर्ट दिस थिंग. एंड ये आप किसी भी कंट्री में यूज़ कर सकते हैं, ना केवल श्रीलंका में, आप इंडिया के लिए भी यही पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं. तो अगर आपसे क्वेश्चन आंसर राइटिंग में क्वेश्चन आते हैं, देखो इसलिए मैं इसको कहता हूँ कि प्रीलिम्स बेस्ड नहीं है. प्रीलिम्स के लिए मेजर फैक्ट्स में रहेंगे इस एनालिसिस में, लेकिन मेंस में भी पॉइंट आपको मिल जाएंगे. तो जैसे अगर कभी आपसे पूछता है कि इंडिया में ऑनलाइन एजुकेशन के क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तो आप ये सब मेंशन कर सकते हो. हाईएस्ट स्मार्टफोन यूसेज इज इन इंडिया. तो इंडिया रिमेंस द रीजन विद हाईएस्ट मंथली डेटा यूसेज पर स्मार्टफोन अकॉर्डिंग टू एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट रिलीज. तो एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट आई थी, एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट, उसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है इट्स द हाईएस्ट मंथली डेटा यूसेज होता है इसमें. तो द टोटल मोबाइल डेटा ट्रैफिक इज प्रोजेक्टेड टू ट्रिपल टू 21 EB. अब EB क्या होता है? एग्जाबाइट होता है. एग्जाबाइट मतलब कि 1000 पेटाबाइट. एक एग्जाबाइट बराबर 1000 पेटाबाइट, ये भी याद रखिएगा. 1 exabyte बराबर 1000 पेटाबाइट. तो ये भी पूछा जा सकता है बेसिकली, ये जो आपके SSC टाइप के एग्जाम होते हैं ना, उसमें ये पूछा जाता है वन डे टाइप एग्जामिनेशन में. गवर्नमेंट बैंक डिसबर्सेज 16,031 करोड़ टू MSMEs. तो अब फिनेंस मिनिस्ट्री ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने लगभग 16,031 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए हैं फॉर द MSMEs, जो कि मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उनको रिलीज कर दिए हैं आउट ऑफ द 3 lakh crore पैकेज जो दिया जाना था उनको अंडर द एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम. तो एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो है वो MSME सेक्टर के लिए, एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, उसमें MSME सेक्टर के लिए पैसा निकालना था 3 lakh crore का, उसमें से 16,000 crore उन्होंने निकाल दिया है. अब इसमें 100% गारंटी दी गई है. किसकी गारंटी दी गई है?
दिस इज गारंटीड बाय नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी द्वारा। तो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी के बारे में आपको बता देता हूँ। नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी जो है, इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, मार्च 2014 में यह बना था। इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, होली ओन्ड कंपनी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट विल एक्ट एज कॉमन ट्रस्टी कंपनी फॉर मल्टीपल क्रेडिट गारंटी फंड्स। ओके, तो इट्स डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा बनाया गया था, होली ओन्ड कंपनी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एक्टिंग एज अ कॉमन ट्रस्टी कंपनी टू मल्टीपल क्रेडिट गारंटी फंड्स। ओके, क्रेडिट गारंटी फंड्स के लिए इसको यूज किया जाता है। 100% गारंटी कवरेज विल बी प्रोवाइडेड बाय द नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी। तो ये भी याद रखेगा, दीज आर द फैक्ट्स विच आर इंपॉर्टेंट। और 3,00,000 करोड़ की स्कीम है और उसमें 16,000 करोड़ निकाल दिए गए हैं। आगे मूव करते हैं। विथ 334 स्पीशीज गुवाहाटी रीडिफाइनिंग द कंसेप्ट ऑफ अर्बन जंगल। अब गुवाहाटी ने अर्बन जंगल के कंसेप्ट को बिल्कुल एकदम जीवंत कर दिया है। किस तरीके से जीवंत किया है कि गुवाहाटी जो है दैट इज़ अ वेरी फेमस एग्जांपल, जहाँ पे जो सिटी के सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में आपको कहना चाहिए कि एक तरीके से पूरी एक बायोडाइवर्सिटी सर्वाइव कर रही है। आसाम की प्रिंसिपल सिटी है, लार्जेस्ट है नॉर्थ ईस्ट एरिया में। 326 अदर स्पीशीज ऑफ फौना हैव बीन रिकवर्ड सो फार। तो 326 स्पीशीज फौना की हैं जो कि रिकॉर्ड की गई हैं, विच आर केज्ड इन द आसाम, मतलब कि विच आर देयर लिविंग अलॉन्ग विद द योर सिटी लाइफ। तो सिटी लाइफ के साथ ये सर्वाइव कर रही हैं स्पीशीज। और यहाँ पे एक नाम आया था हेंगेरा बारी रिजर्व फॉरेस्ट, तो हेंगेरा बारी रिजर्व फॉरेस्ट भी यहीं पे है, इसी एरिया में है। तो दे हैव रीडिफाइंड द कंसेप्ट ऑफ अर्बन जंगल एंड लगभग जो इसमें से बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जो कि इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में प्रोटेक्टेड है। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 52 आर हाईली प्रोटेक्टेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ये स्पीशीज़ भी पाई जाती हैं यहाँ पे। एंड अगर आप देखो तो 328 स्क्वायर किलोमीटर की सिटी है गुवाहाटी, एंड आउटस्कर्ट्स में 18 हिल्स हैं, 8 फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट हैं, 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और एक रामसर साइट है जिसको दीपोर बिल कहते हैं। तो दीपोर बिल आपकी आसाम में एक रामसर साइट है। रामसर 1971 में एक कन्वेंशन हुआ था जिसको रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स कहा जाता है। रामसर ईरान की एक जगह है। ओके, तो ये भी अगर आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता दो तो ये सारे फैक्ट रहेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। गैंजीज रिवर डॉल्फिन जो है बेसिकली वो यहाँ पे सिटी एनिमल है, यहाँ की सिटी एनिमल है गुवाहाटी की गैंजीज रिवर डॉल्फिन। तो ये भी आप फैक्ट याद रख सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम टुडेज न्यूज़ पेपर। एक दो एक्स्ट्रा न्यूज़ फैक्ट्स थे जो कि कल आए थे लेकिन हिंदू में ना होने की वजह से मिस हो गए थे। लेट मी टेल यू दोज ऑल्सो। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट जो है वो 17 June है आज, यानी कि वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। तो ये एवरी ईयर यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्व्स दिस वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट ऑन June 17। इस बार की जो थीम है वो है फूड फीड फाइबर द लिंक्स बिटवीन कंजम्पशन एंड लैंड, ये इस बार की थीम है। ADIP स्कीम क्या है बेसिकली, तो ये फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असिस्टिव एड टू दिव्यांगजन। ओके, असिस्टिव एड टू दिव्यांगजन, ये जो है ये ADIP स्कीम के अंतर्गत क्या है, ADIP कैंप लगेंगे और उसमें दिव्यांगजन को असिस्टिव एड्स दी जाएंगी बेसिकली। तो ये याद रखना कि ADIP स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा रन की जाती है, और यहाँ पे जो असिस्टिव एड्स हैं वो दिए जाएंगे आपको किसको, दिव्यांगजन को। तो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस एंड वेट फॉर द वीडियो ऑन द एडिटोरियल्स। दैट इज इट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।